हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी क्लर्क का एग्जाम अपकमिंग डेज में होने वाला है, तो वहां पर आप सभी को पता होना चाहिए लगभग 10 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के आपको देखने को मिलेंगे, और आपको डीआई का लेवल कैसा मिलेगा वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक हम टेबल डीआई का डिस्कशन करेंगे। ये ऑलिव बोर्ड का क्वेश्चन है। ऑलिव बोर्ड के आप ऐसे और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, मैं आपको एक नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ पर फ्री मॉक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 5 सिंप्लीफिकेशन के अलग अलग क्वेश्चन रखूंगा। इसमें पूछा गया है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर कौन सी वैल्यू आने वाली है, तो आप ध्यान से देखना। ये लिखा है 21 का स्क्वायर, ओके, और यहाँ पर लिखा है 6561 और इसकी पावर 1/4, ओके, 6561 इसकी पावर 1/4। अभी मैं केवल क्वेश्चन को लिख रहा हूं, ठीक है, और ये लिखा है 841 और इसकी पावर 1/2, ठीक है। तो देखो, जिसकी पावर 1/2 होती है वो क्या होता है, वो होता है आपका अंडर रूट, ठीक है। तो ये तो हो गया अंडर रूट 841, और 841 किसका होता है, ये होता है 29 का, तो ये हो जाएगा 29 यहां पर, ठीक है। ये वाला सेगमेंट थोड़ा सॉल्व करने में लोगों को परेशानी हो सकती है, तो मैंने जो आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ाया था, देखो इस चीज का मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर आपको यहां पर लेना है, ठीक है, और उसकी जो पावर होगी वो होगी 4, ठीक है। जैसे मैं यहां पर किसी भी नंबर की बात करूं तो उसकी पावर यहां पर 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी ये नंबर जो 6561 है, अगर आप देखो इसकी सारे डिजिट का सम कर लोगे, 6 और 5 11 और 6 17 और 1 18 18 आ रहा है ना। अब ये जो 18 नंबर है, अगर ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये 3 की पावर में बनेगा। अगर ये 9 से डिविजिबल है तो ये 9 की पावर में बनेगा। आप देखो, 3 की पावर अगर आप 4 करते हो तो आपको ये वाली वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हमें क्या करना होगा, हम एक बार देखते हैं। ये 9 से भी डिविजिबल है, अगर मैं 9 की पावर 4 करता हूँ, देखो 9 × 9 × 9, अगर मैं 9 की पावर 3 करूँ और 9 की पावर 1 कर दूँ, तो मुझे ये तो पता है ना कि ये 7 × 9 होता है, 9 × 9 81 81 × 9 7 × 9, ठीक है, 7 × 9 × 9 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 6561, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया कि 9 की पावर अगर मैं 4 करूंगा तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो देखो, 9 की पावर 4 हो गया और ये क्या है, 1/4 है, तो ये पावर यहां पर कट जाएगा, केवल 9 आपको यहां पर मिलने वाला है। ध्यान से लॉजिक समझना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पर कितना मिल जाएगा, माइनस का 9 और प्लस का 29, और ये 21 का स्क्वायर है, ये कितना होता है 441, ठीक है। यहां पर देखो, ये -9 इसमें से माइनस करोगे 20 बचेगा, 20 यहां पर ऐड कर दोगे, 461 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस पूरे के पूरे सिंप्लीफिकेशन में क्या मेन ट्रिक थी, वो थी 6561 की पावर 1/4 को ओपन करना और कैसे इसको सॉल्व हम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तब आप क्वेश्चन को बना सकते हो। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनको हम यहां पर यूज करते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सिंपल 3 to 4, अंडर रूट 3 to 4 है ये, ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क 4 whole 1/5 of 7/5, ठीक है। अब देखो, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये मुझे पता है। मैं सबसे पहले उस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में ये देखूंगा कि मुझे क्या क्या वैल्यूज फाइंड करनी आती हैं। ये आपको पता है 18 का होता है ये वर्गमूल, ठीक है, ये आपका x एज इट इज होगा, ये कितना हुआ 5 × 4 = 20 और एक 21/5, ठीक है। अब देखो, 5 से ये 15 बार कट जाएगा, सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना, और 21 हमारा यहाँ पर आ गया, तो 21 × 15 हमने कर दिया। देखो, ये आपको कैलकुलेट करना ही करना पड़ेगा, ये आपका 5 आएगा और ये हो गया कितना, ये हो गया 31, ठीक है। अब इसमें से 18 आप माइनस कर दो, कितना आ गया 297 आपका राइट आंसर आ गया, क्योंकि 18 इधर आकर तो माइनस हो जाएगा ना। तो यार, इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं, क्लियर के लेवल में एटलीस्ट सिंप्लीफिकेशन इसी लेवल का मिलेगा। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, केवल स्पीड ऑफ कैलकुलेशन है कि जितनी आपकी स्पीड फास्ट है उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को बना लोगे। बाकी आपको कोई भी पेन चला के इधर से इधर घुमा के बता नहीं सकता कि ये कर दिया तो आंसर आ गया, ठीक है, ऐसा कोई भी मेथड नहीं है, ओके। सिंप्लीफिकेशन में सीधा सीधा है कि आप चीज़ों को विजुलाइज किस तरीके से कर रहे हो और उनको कितनी फास्ट कैलकुलेशन करके आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन है यहां पर, 1050 / 7 प्लस 14 × 16 इक्वल टू एक्स, ये आपको क्वेश्चन मार्क है, एक्स निकालना है, प्लस 420/7 − 17। अब आप यहां पर देखो क्या क्या आप सॉल्व कर सकते हो, ये 7 से पूरा कट जाएगा, 15 बार 150 आ गया, ये 7 से कट गया 60 बार आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखो, 60 में से 17 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 43 आ जाएगा, और ये जो x के साथ में प्लस 43 इधर आके माइनस का 43 बन जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, ये 150 है, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे करनी पड़ेगी, ये कितना आ जाएगा, देखो 16 × 10 = 160 और 16 × 4 = 64, तो 160 प्लस 64 कितना हुआ, ये हो गया आपका 224, ठीक है। अब 224 माइनस 43 ये है, और 150 आपका प्लस में ये वाला भी है, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। अब आप देखो, इन दोनों को अगर आप
ये 150 है और ये 224, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो कितना आएगा, 374। 374 माइनस 43 करोगे, 331 आपको मिल जाएगा सीधा सा आंसर। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन में ओरल कैलकुलेशन बहुत जगह पर आपको मिलेगी, लेकिन ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है ये हमें टैकल करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक और सिंप्लीफिकेशन देखते हैं यहाँ पर, ये क्यूब रूट है। देखो यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो क्यूब रूट है। ठीक है, और अल्टीमेटली ये मतलब यही होता है कि उस नंबर का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं तो इसको हम यही तो लिखते हैं, ये होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है, ठीक है, वो हमारा स्क्वायर की फॉर्मेट में आएगा, तभी आपका 2 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी जस्ट। तो यहां पर आप देखो ये 8000 है, इसका क्यूब रूट करोगे कितना है, 3 पेयर का 10, 8 का 2 आ जाएगा, तो 20 यहां से निकल कर आ गया। और ये कितना है, एक्स वाई 30 है सीधा सीधा। ओके, अब ये क्या है, 100 वाई एक्स, ठीक है, इंटू अंडर रूट 36, ये कितना 6 बन जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना हो गया, ये 6 इंटू 100 है। अब देखो 20 से ये 5 बार हो गया आपका। ठीक है, अब आप यहां पर और कौन सा नंबर काट पाओगे, 5 इंटू 6 ये आपका 30 हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, और ये डिवाइड में एक्स है, तो आप देखो यहां पर जो डिवाइड में x है ये इस वाले x के साथ आ जाएगा, यहां पर जो नीचे 30 है ये क्रॉस में 30 इधर चला जाएगा, तो इस x को इधर लिख दो, बन गया। अब देखो एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। देखो अल्टीमेटली बन तो ये रहा ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर, तो जब अंडर रूट लगाओगे तो एक ही पेयर तो आएगा ना, x इक्वल टू 30 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में दोस्तों मिलते ही मिलते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देखो ये कहाँ पर है, ये क्वेश्चन मार्क किसे निकालना है, ये आपको पता है 5 आता है, ये कितना आएगा 60 आएगा, ये कितना आएगा 110 आएगा। ठीक है, अब देखो 110 और 5 ये माइनस की वैल्यू है। ओके, 110 और 5 115 में से 60 माइनस कर दोगे कितना मिल जाएगा, 55। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। पूरे क्वेश्चन में केवल सम करना था, नथिंग एल्स। ठीक है, तो अगर ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन क्लरिकल लेवल में पूछे आते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना कैलकुलेशन पोर्सन अगर आप स्ट्रांग करते हो, आप देखो कि मैंने अभी जो 5 क्वेश्चन आपको कराए, आप इसमें देखो क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई। एक तो स्क्वायर यूज़ हुआ, ठीक है, डिवीजन करना यूज़ हुआ, ठीक है, कहीं 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 पर सर्ट्स एंड इंडाइसिस का यूज़ हुआ है। तो ये कंसेप्ट अगर आप एक बार रिवाइज कर ले रहे हो, तो अगर ऐसे क्वेश्चन और भी आपको 5, 10, 15 मिलेंगे तो आप वहाँ पर एटलीस्ट बना पाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना, मैं आपको पूरा क्वेश्चन हिंदी में बता दूंगा, परेशान मत होना, सारे क्वेश्चन जो मैंने रख रखे हैं वो सब हिंदी इंग्लिश में हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि जो टेबल आपको दी गई है इसमें टोटल इनकम दी है 5 अलग अलग पर्सन हैं, PQRST, तो PQRST ये 5 पर्सन है जिनकी इनकम, मतलब कि ये कितनी इनकी सैलरी है, कितने पैसे ये कमाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। इट ऑल्सो शोज द सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो आपको सेविंग दिखाई है वो परसेंटेज में दिखाई गई है, तो इनकम के ऊपर आपकी हमेशा सेविंग निकलती है, ये चीज़ ध्यान रखना। जो आपको आय आपकी आ रही है, जो आपकी इनकम हो रही है, उसके ऊपर ही तो आप अपने खर्चे करोगे, अपनी बचत को करोगे। तो जब सेविंग 20% है तो रिमेनिंग जो है वो क्या होगा, वो इनकम ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द रेंट टू एक्सपेंडिचर ऑन द फूड आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर जो उसके खर्च हैं वो भी बताए गए हैं, लेकिन दो जगह खर्च होते हैं, एक तो किराया रेंट की बात हो रही है और फूड खाने के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, मतलब रेंट और फूड का रेशियो आपको दिया गया है। ओके, अब ये क्वेश्चन आपका बन गया, इनकम में दोनों चीज़ें आएंगी, जो आपका एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर है और आपकी टोटल सेविंग है, एक्सपेंडिचर रेंट और फूड दोनों पर मिलाकर, मतलब आप टोटल समझ लो कि जो एक्सपेंडिचर होगा, जैसे अगर मैं पी के अंदर खर्च की बात करूंगा तो उस खर्च में किराए पर खर्च भी शामिल होगा और फूड पर खर्च भी शामिल होगा। ठीक है, अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सेविंग निकालनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर सेविंग बता दे रहा हूँ, 20% किसका, 20,000 का, तो 20,000 का अगर आप 20% निकालोगे कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप 50% है इस क्यू का, तो 24,000 का 50% कितना हो गया, 12,000। यहाँ पर आप देखो 25% है, मतलब 1/4 है, तो इसको 4 से केवल डिवाइड करना है और इसमें कुछ नहीं करना है, तो 4 से डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा, 16, और 2 बचा 20 हुआ, तो 4 से 5 बार, ये 4500 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो ये 40% है, ठीक है, तो 25,000 का 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 250 × 40, मतलब कि 10,000 आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखते हो ये 30,000 है, 30,000 का 30%, मतलब 9,000 आपका आ गया।
तो आपने सेविंग की वैल्यू निकाल दी। अब जैसे ही आपने सेविंग की वैल्यू निकाली है, अब आप एक्सपेंडिचर टोटल यहां पर निकाल दो। देखो अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर की यहां पर बात करूंगा तो आप ध्यान से देखना कि जब इनकम 20,000 है, 4,000 रुपए की बचत हो रही है, तो खर्चे ऑब्वियसली 20,000 में से 4,000 माइनस कर दो, ये हो गए 16,000 के। ठीक है, ये मत करना इसका 80% निकालने बैठ जाओ। ऑब्वियसली एक वैल्यू निकाल दी है, अब आप खुद देखो कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर 100 है और आपको वाई की वैल्यू पता है कि 25 है, तो आप खुद बता दोगे कि एक्स कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, यही केस यहां पर हो रहा है। सेविंग मुझे पता है, इनकम क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा, तो सेविंग के साथ में हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये 12,000 है तो 24,000 में से 12 बता दो कितना हो जाएगा, 12,000 हो गए। ये देखो 4,500 है और ये 18,000 है, तो ये कितना आपका बच जाएगा, ये हो जाएगा 13,500। ठीक है, 13,500। ये देखो 10,000 है, ये 25,000 है, तो कितना हो गया, 15,000। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर हो गए। 15,000 में रेंट फूड दोनों शामिल है, बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपको। ठीक है, 9,000 ये है, 30,000 में से 9,000 माइनस कर दो, कितना हो गया, 21,000। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दो, सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये दोनों रेशियो कितने हैं, 5 और 3 = 8 रेशियो, ये 3 रेशियो, ये 9 रेशियो, ये 15 रेशियो और ये हैं 3 और 4 = 7 रेशियो। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि 8 रेशियो की वैल्यू 16,000 है, तो देखो एक की वैल्यू बता रहा हूँ, 8 रेशियो की वैल्यू 16,000 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 2,000 हो गई। तो जब 1 रेशियो की वैल्यू 2,000 पता चल गई, तो जो 5 रेशियो है ये रेंट का है ना, मतलब किराए का 5 है और फूड का 3 है, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। ये ओवरऑल करना है माइंड में, इसके अलावा कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाओ आप क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें हम एक एक करके यूज़ करेंगे और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व भी करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, टेबल आप सभी को समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ पर्सन पी एंड टी टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सैलरी ऑफ दीज टू पर्सन टुगेदर, मतलब पी और क्यू का दोनों को मिलाकर जो खाद्य पर जो व्यय आ रहा है, ठीक है, उसको आपको देखना है और मेजर किसके साथ करना है कि उनकी टोटल जो सैलरी है, जो उनका कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, ये चीज आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि P plus T का आपको फूड के ऊपर वैल्यू निकालना है, एक्सपेंसेस। ठीक है, और P plus T की जो सैलरी है वो आपको निकालनी है, इनटू 100 कर देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखो, P हमें ये पता है कि टोटल रेशियो 8 है, ठीक है, अब इनका एक्सपेंडिचर 16,000 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 आ गई। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, फूड के ऊपर पूछ रहा है, फूड आपका लॉस्ट वाला है 3, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो 2,000, 3 रेशियो हो गया 6,000, ये हो गया 6,000। ठीक है, अब ये कितना हो गया, टी की बात अगर आप करते हो तो 3 और 4 ये मिलाकर 7 रेशियो हो गया, 7 रेशियो की वैल्यू 21,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 * 21 3,000 आ गई। ओके, अब आपको निकालना क्या, 4 रेशियो की वैल्यू 3 * 4 12,000 आ गई। ठीक है, ओरल है ये सब जो मैं आपको करके बता रहा हूँ, और पी और टी की यहाँ पर बात हो रही है, आप खुद देखो यहाँ पर पी कितना है, देखो पी और टी की सैलरी यहाँ पर 20,000 इनकम है और टी की 30,000 है, तो इनकम कितनी हो गई, ये हो गई 50,000 इंटू 100। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये खत्म हो गए, 20,000 में 3 जीरो, ये 12,000 में 3 जीरो और 6,000 में भी 3 जीरो होते हैं। अब ये जो 2 जीरो हैं मैंने इसके भी खत्म कर दिए, इसके भी खत्म कर दिए, क्योंकि दोनों को ऐड करता तो एंड में 2 जीरो जरूर मिलते हैं। तो यहाँ पर 120 + 60 = 180 बचा, डिवाइड बाई 5, ये कितने बार जाएगा, 36 बार, तो राइट आंसर कितना आ गया, 36%। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट बाय पर्संस पी एंड क्यू टुगेदर, मतलब पी और क्यू के द्वारा संयुक्त रूप से किराए के ऊपर जो व्यय की गई कुल राशि है, इसका आपका डिफरेंस देखना है किसके साथ में, टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन फूड बाय पर्संस आर एंड एस टुगेदर, मतलब आर और एस द्वारा संयुक्त रूप से जो फूड है, खाद्य के ऊपर जो व्यय किया गया है, इनके बीच का आपको अंतर निकालना है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन सारे लोग कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। रेंट को पहले मेजर करना है पी और क्यू के बारे में, और जो फूड है, ठीक है, वो किसका देखना है हमें, आर और एस का। ठीक है, तो देखो एक बार में करते हैं, सबसे पहले पी और क्यू के ऊपर आ जाते हैं, इसका मुझे क्या देखना है, रेंट देखना है। रेंट मतलब पहला वाला 5 रेशियो, 1 रेशियो की वैल्यू 2,000 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू हो गई 10,000। ठीक है, क्यू की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो गया, 10,000, और क्यू की अगर आप बात करोगे, देखो 3 रेशियो की वैल्यू 12, 1 रेशियो की वैल्यू 4,000, तो 2 * 8,000 हो गई। ठीक है, ये आ गया आपका, तो 10 और 8 = 18,000 ये वैल्यू आ गई। और अगर आप देखो फूड के ऊपर आर और एस फूड के ऊपर कितना है, ये आपका है 5 रेशियो, 9 रेशियो
की वैल्यू एक 13,500, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 1500। ठीक है, हमें कितनी निकालनी है, फूड निकालनी है 15 × 5, ये हो गया 7500। ठीक है, क्योंकि 5 रेशो की वैल्यू चाहिए आपको आर में। ठीक है, एस में भी आपको 7 रेशो की वैल्यू चाहिए, 15 रेशो की वैल्यू 15,000 है, क्योंकि एक्सपेंडिचर का रेशियो एक्सपेंडिचर के बराबर ही रखना पड़ेगा। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। ठीक है, एक की वैल्यू हो गई 1,000। ठीक है, क्योंकि 15 की वैल्यू 15,000, तो एक की वैल्यू हो गई 1,000, और 7 की वैल्यू कितनी हो गई 7,000। ठीक है, ये कितना हो गया 14,500, और ये कितना हो गया 18,000। ठीक है, 14,500 और 18,000 का डिफरेंस कितना आ गया 3,500। ओवरऑल कैलकुलेशन आपको पेन एग्जाम में नहीं चलाना, माइंड में चीज़ें देखनी है। ठीक है, मैं केवल आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन फूड बाय पर्सन पी एंड क्यू टूगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेविंग्स ऑफ बोथ द पर्सन। मतलब पी और क्यू द्वारा संयुक्त रूप से जो खाद्य फूड पर व्यय की गई राशि, उन दोनों व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से बचत की गई कुल राशि का कितना प्रतिशत है। अभी मैंने ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन आप सभी को बताया भी है। ठीक है, तो आप पहले ये देख लो कि यहाँ पर पी और क्यू के द्वारा संयुक्त रूप से फूड के ऊपर, खाद्य के ऊपर कितनी राशि ये लोग खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। पहले अगर मैं पी और क्यू की बात करूँ, ठीक है, फूड के ऊपर ये 3 रेशियो है, 1 रेशियो की वैल्यू 2,000, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 6,000। ठीक है, और यहाँ पर आप खुद देखना कि ये वाली 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो 2 और 1 3 रेशियो बराबर 12,000, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 4,000, 4 × 1 1,000 हो गया। ठीक है, किसके साथ निकालना है, दोनों व्यक्तियों की जो बचत की गई कुल राशि, पी और क्यू कितना बचत कर रहे हैं, ये 12,000 बचा रहा है, ये 4,000, दोनों मिलकर बचा रहे हैं 16,000 × 100, ये चीज़ निकालनी है। तो आप देखो 2 जीरो से, तो 2 जीरो ये ख़त्म हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 1 जीरो है, तो 1 जीरो इन दोनों का भी ख़त्म कर दो, ये कितना हो गया 400 और 600, ये हो गया आपके 1,000। ठीक है, 1,000 बटे 16। ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा, 1,000 बटे 16, तो ये कितना बार जाएगा, ये जाएगा आपका 16 से 6 बार। ठीक है, 16 से 6 बार जाएगा, 96 हुआ, फिर यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा, 40 हो गया। ठीक है, 16 से 2 बार गया, ठीक है, 32 हुआ, 80 हुआ, 16 से 5 बार, 62.5% आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर दिक्कत किसी को नहीं आ रही होगी। चलो इस वाले क्वेश्चन को एक बार देखो, ट्राई करो। इसमें आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स ऑफ पर्सन पी क्यू आर टुगेदर टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एस एन टी टुगेदर। मतलब पी क्यू आर इनकी सेविंग कितनी है टोटल। ठीक है, इसको आपको एक बार काउंट करना है। तो पी क्यू आर की सेविंग जोड़ लो, 12,000 16,000 20, ये हो गई 20,500। किसके साथ निकालना है, ये निकालना है कि एस और टी के संयुक्त रूप से कुल व्यय का अनुपात पूछा है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एस एंड टी। देखो एस और टी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 15 और 21 है, ये कितना हो गया 21 + 26 + 10 = 36, ये हो गया 36,000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 5 से 2 बार और 1 बार, और 5 से कितने बार, 7 बार और 2 बार, ये कितना हो गया, ये आपका ये 4 बार जाएगा, सॉरी। ठीक है, 5 से 4 बार, 41:72, ये आपका अनुपात आ जाएगा, यही आपसे पूछा है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को बताओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रेंट बाय ऑल द 5 पर्सन टुगेदर। देखो क्वेश्चन भी इन्होंने पूछा है ना, सबका रेंट का आपको सम यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप पहले एक बार इसको सेल्फ ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ क्वेश्चन का, कितना आंसर आप सभी का निकल कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मुझे रेंट निकालना है 5 लोगों का, पी क्यू आर एस टी का। अब मुझे पता है कि रेंट 5 रेशियो है, 2 रेशियो है, 4 रेशियो, 8 रेशियो, 3 रेशियो, डायरेक्ट आप निकाल नहीं पाओगे। आपको 8 रेशियो की वैल्यू 16,000 रखनी होगी, 1 रेशियो 2,000 हो गई, 2 × 5 कितना हो गया, ये हो गया आपका 10,000। ठीक है, ये कितना है, 2 और 1 3 रेशियो की वैल्यू 12,000, 1 की वैल्यू 4,000, 4 × 2 8,000। ओके, यहाँ पर 9 रेशियो की वैल्यू 135। ठीक है, तो आप देखना 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, और ये हो गई 1500, तो 15 × 4 कितना हो गया 6,000। ठीक है, अब यहाँ पर 8 और 7 15 15 रेशियो 15,000, 1 रेशियो 1,000, 1,000 × 8 कितना हो गया 8,000। ओवरऑल करना है माइंड में, 3 और 4 7 रेशियो 21, 1 रेशियो 3 और 3 × 3 9,000। ठीक है, इन सबको आप एक लाइन में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 41,000। ओके, तो राइट आंसर आपका इस फॉर्मेट में बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्लेरिकल लेवल में, प्रिलिम्स में हम ऐसे ही क्वेश्चंस की उम्मीद कर सकते हैं। आप
देख लो कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइम जो है वो कैसे डिपेंड कर रहा है, वो आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैलकुलेशन आप अच्छी कर रहे हो, तेज कर रहे हो, तो आपको टाइम इनफ मिल जाएगा। अगर आप उसी सिंपल क्वेश्चन में अगर आप 10 मिनट 12 मिनट लगा रहे हो तो आप काफ़ी पीछे रह जाओगे। आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की DI को सॉल्व करने का जो आइडियल टाइम है वो है 3 मिनट, नियर अबाउट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 3 मिनट, 3.5 मिनट ले लो, इससे ज़्यादा अगर आप 8 मिनट ले रहे हो, 7 मिनट ले रहे हो, इसका मतलब आपको कैलकुलेशन रिड्यूस करने की जरूरत है। मैंने टाइम यहाँ पर लिया है, ऑब्वियसली लिया है, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ें बताई हैं, जिसको क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरे व्यूअर्स कुछ ऐसे भी होंगे जो रेशियो और इन सब चीज़ों में फंस सकते हैं, तो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर मैं वही चीज़ें ओरल माइंड में कैलकुलेट करके बताऊं तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। हमें टेबल में कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें वैल्यू 20% की निकालनी है, सेविंग्स वाली वैल्यू निकाल देनी है, और बाकी हमारा क्वेश्चन एज इट इज बनता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, लेकिन आप लोग जो है नीचे मैंने लिंक दिया ऑलिव बोर्ड का, इनका फ्री मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कर लें। और अगर आप जो भी IBPS PO क्लर्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर इनके भी मॉक्स अवेलेबल हैं, आप इनको जाएं पहले एक फ्री मॉक तसल्ली से अटेम्प्ट करें, लेवल देखें, देखें क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हुए हैं, सॉल्यूशन में रैंक कितनी आ रही है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। एटलीस्ट हमें जाना तो पड़ेगा ना, ओके। और मैं और भी जितने भी पजल्स इनके मॉक में अवेलेबल हैं मैं सारे कराऊंगा आपको, DI सारी कराऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी कराऊंगा, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में एक बार फिर से, और इस वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादा लोगों तक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।